हेलो दोस्तों, यूएसएस के नेचुरल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस जुल्मी देश के बारे में। दोस्तों, उत्तरी कोरिया को ही अंग्रेजी भाषा में नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। यह पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर प्योंगयांग है। इस देश की कुल जनसंख्या जून 2021 के अनुमान के अनुसार 2,58,82,046 है और इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,20,540 वर्ग किलोमीटर है। इस देश का कॉलिंग कोड +850 है और इस देश की करेंसी वॉन है। नॉर्थ कोरिया का सम्राट किम जोंग है। इसने देश में मनगढ़ंत कानून बनाकर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। इस देश के लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। किम जोंग के बनाए हुए कानूनों के दायरे में भी ही रहकर सब कुछ करना पड़ता है। जहां दुनिया के सभी देशों में जिस तरह बच्चों को इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के इतिहास में सिर्फ किम जोंग के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इस देश का अपना अलग ही इंटरनेट ब्राउज़र है जो सिर्फ कोरियन भाषा में ही काम करता है। इसके अलावा यहाँ गूगल, फेसबुक वगैरह नहीं है। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। उत्तर कोरिया में सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस कुछ ही विशेष लोगों को इंटरनेट चलाने की अनुमति है। इस देश में लगभग 620 लोग ही इंटरनेट चलाते हैं। इस देश में पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े जाने पर सीधी फांसी दे दी जाती है। उत्तर कोरिया में अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो उसकी सजा उसकी 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। यह नियम इस देश का सबसे बुरा नियम है जो मानव अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। उत्तर कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घरों में कलर भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने नियम बना रखे हैं। केवल ग्रे कलर ही करना होता है और घर में नेताओं की तस्वीर लगानी पड़ती है। इस देश की केवल एक ही अच्छी बात है जो यह है कि 99% लोग यहाँ के पढ़े लिखे होते हैं। उत्तर कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो आज तक मर चुके शासक के अधीन काम करता है, जिसे नेक्रोकेसी कहते हैं। उत्तर कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इस देश की सेना अमेरिका से भी 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। इस देश की सरकार ने एक जोंग डोंग नाम का शहर बनाया था ताकि साउथ कोरिया के लोग इसे देखने के लिए नॉर्थ कोरिया आ सके। इस देश में भिखारियों की फ़ोटो खींचना सख्त मना है। उत्तरी कोरिया में जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उन्हें मोबाइल देश के अंदर ले जाना मना है। उनका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब वह वापस आते हैं तभी उन्हें यह दिया जाता है। उत्तरी कोरिया के न्यूज़ चैनल, मैगजीन, अखबार सिर्फ देश के बारे में ही दिखाते और लिखते हैं। इन्हें बाहरी चीज़ों को कवर करने की अनुमति नहीं है। उत्तर कोरिया दुनिया का अकेला देश है जिसने अमेरिका को चुनौती दे रखी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी के एक जहाज को भी पकड़ रखा है। यह सीधे तौर पर अमेरिका ताकत को चुनौती देना है। अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। उत्तर कोरिया में एक आम नागरिक कार नहीं खरीद सकता क्योंकि यहाँ कार खरीदने का हक सिर्फ सेना और कुछ ही अधिकारियों को होता है। उत्तर कोरिया ने एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था जिससे उत्तर कोरिया और जापान में 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, क्योंकि हाइड्रोजन बम की ताकत परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है। किम जोंग को स्वीस चीज़ें और तेज तर्राट महिलाएं बहुत पसंद हैं। उत्तर कोरिया में सभी के लिए किम जोंग तानाशाही शासक है। उत्तरी कोरिया के पुरुष और महिलाओं को जींस पहनने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में बाइबल पढ़ना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। यदि कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ मौत की सजा ही दी जाती है।
उत्तर कोरिया में किम जोंग को क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया के कानून के तहत हर 5 साल बाद शासक का इलेक्शन होता है, लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार किम जोंग ही भागीदार होता है। उत्तर कोरिया में बाल अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते, यह कानून के खिलाफ है। यहाँ औरतों के लिए 25 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल के कानून हैं, इन्हीं के तहत बाल कटवाना पड़ता है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रहते हैं या सरकारी नौकरी करने वाले रह सकते हैं, बाकी आम लोग राजधानी में नहीं रह सकते। पूरी दुनिया में सन 2021 चल रहा है, लेकिन उत्तरी कोरिया में अभी भी साल 2015 ही चल रहा है। यहाँ सिर्फ लोकतंत्र का छलावा है, जो यहाँ के प्रशासन व सरकार के अनुसार यह देश की अच्छी छवि को प्रदर्शित नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी उत्तरी कोरिया के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।